आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज़। सर आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ छवि। भुसावल शहर के वार्ड नंबर 15 में हामी सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता रेहान जलील कुरैशी आए दिन नए नए कार्य कर नागरिकों के हित में कार्य कर रहे हैं। वह ऐसे में उन्होंने आज 2 जनवरी 2023 सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नजरवंजी फाइल में नगर पालिका के माध्यम से व हामी सेवा फाउंडेशन के सहयोग से आयुष्मान भारत योजना से मिलने वाले कार्ड का कैंप लगाकर नागरिकों को इसका फायदा पहुंचाने की बात कही है। बताया है कि इस कैंप में लगभग 200 से अधिक नागरिकों ने इस कैंप का लाभ उठाया है। आइए जानते हैं रेहान कुरैशी ने आयुष्मान भारत योजना से किसको और कैसे लाभ मिलेगा पर क्या जानकारी दी। आज भुसावल नगर परिषद द्वारा और हामी सेवा फाउंडेशन के सहयोग से आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड का शिविर रखा गया था। इसके अंदर 2011 में केंद्र सरकार की ओर से एक सर्वे किया गया था। इसमें लाभार्थी वही लोग हैं जिनका लिस्ट में नाम आया है और इसके फायदे अनेक हैं, जैसे कि 5 लाख तक के उपचार, इस 5 लाख तक के उपचार होना और इसका पैसा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा। और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं और आयुष्मान भारत कार्ड ये जो है ये इसके अंतर्गत इसमें जितने भी लाभार्थी है उन अगर उनका एक्सीडेंट होता है या उनको कोई भी मेडिकल कंडीशंस आती है तो इनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो इसमें इनको 5 लाख तक के इलाज फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। शुक्रिया। ये जो कैंप है कब से कब तक ये कैंप का आयोजन किया गया? ये कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक रहेगा और इस कैंप में तकरीबन अभी तक 121 लाभार्थी अपना लाभ उठा चुके हैं और उम्मीद है कि 200 से 250 और लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा इस कैंप के द्वारा। ये एक्चुअली ये गोल्डन कार्ड कैंप रखा गया है। इसका मकसद यही है कि एक पायलट प्रोजेक्ट करके भुसावल जलगांव एक 3 शहर चुने गए थे। तो हम इसमें ऐसा है कि जो लोगों का 2011 में सर्वे हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो वो 57,000 अपने भुसावल शहरवासी थे, अपनी पॉपुलेशन 2 लाख है तो उसमें से 57,000 लोगों को गोल्डन कार्ड में उनके नाम आए थे पहली ऑपरेशन में। तो वो लोगों में से 10,000 लोगों के हम लोग अभी तक बना चुके हैं तो अभी भी 47,000 लोग जो है तो उनके पास में लिफाफे है एक नीले कलर के तो वो ला के यहाँ पर गोल्डन कार्ड उनका तैयार किया जा रहा है या फिर राशन कार्ड आधार कार्ड ये देखे भी जिनका यादी में नाम है उन लोगों के कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। ये इसका मतलब ये है कि उनको 5 लाख रुपये तक का अचानक कोई बीमार पड़ता है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में वो इलाज करा सकते हैं 5 लाख का उनको मुफ्त में इलाज होगा। पर ये जो कैंप है ये कैंप जो है कहाँ पर अभी चालू है और इसका जो है आपको जो है कितने सहयोग किया है अभी यहाँ पर? एक्चुअली ये जो है ये अपने भुसावल में एक 5 UPSC है अपने तो 5 UPSC के जो अंडर एरिया है वहाँ पे शुरू है तो हमको यहाँ पर रेहान मेंबर इन्होंने बहुत अच्छे सपोर्ट किया और हमारी हेल्प की है और यहाँ पर ये लोगों को पूरा मतलब लोगों को लाने के लिए बहुत सहयोग किया है। हामी सेवा फाउंडेशन के बारे में क्या बताएंगे? आज हामी सेवा फाउंडेशन व भुसावल नगर पालिका के सहयोग से गोल्डन कार्ड वितरण का आयोजन हामी सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा किया गया जिसमें प्रभाग के लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए ऐसे आप सभी से निवेदन करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि इस काम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। बहुत कम से कम 4-5 साल से उनका कार्य देख रहा हूँ और उनका कार्य करने का काम बहुत अच्छा है और हमारे दोस्त के हिसाब से बहुत अच्छा काम भी है, उनका वार्ड में भी काम है और आज उन्होंने जो भारत गोल्डन कार्ड जो है इसका भी कार्य करें उन्होंने आज सुबह से लगे हैं काम, सब वो घर घर जा रहे हैं बात बता रहे हैं और हमारे तौसीफ डॉक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उनके साथ में उन्होंने भी मिल के टीम वर्क करे हैं इन्होंने काम, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो ऐसे ही काम करते रहे वार्ड में लोगों का।